सारी विद्याएं निपुण प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बने, सारी विद्याएं आ जाएं, उस व्यक्ति के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो लोग तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो समस्त प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करते हैं। जिनके बच्चे खेलने में ज्यादा लगे रहते हैं, शैतानी करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं, उनको तीन मुखी रुद्राक्ष चांदी में जड़वा करके या सोने में जड़वा करके पीले धागे में डाल करके उसको गले में पहनाएं तो विद्यावान वह बालक धीरे धीरे बन ही जाएगा, पढ़ने वाले छोटे बच्चों के लिए। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो बड़े हों चाहे छोटे हों, विद्या तो सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं जिसको विद्या नहीं चाहिए। तो तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए है। जिनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहिए, ये चारों पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ के लिए चार मुखी रुद्राक्ष लेकर के आए और श्रद्धा से घर में पूजन करें या अपने गले में पहने या अपने बाजू में बांधें। देवियां उल्टे हाथ में और देवता सीधे हाथ में बांधें। ऐसा करने से उसके चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। मुक्ति और संपूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि यह रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का रूप है। इसको धारण करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से कहिए हर हर। जिन लोगों से कोई जाने में अनजाने में पाप हो गया है, ब्रह्मत्या जैसे पापों को नष्ट करने के लिए व्यक्ति को छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और स्नान की बाल्टी में उस रुद्राक्ष को डाल करके स्नान करें तो ब्रह्मत्या जैसे पापों से व्यक्ति की मुक्ति होती है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई जीव धरा पर नहीं है, धरती पर नहीं है जिससे कोई पाप ना होते हों। जाने में अनजाने में बहुत पाप होते हैं। हम रास्ते में जाते हैं, चल कर के आते हैं तो नीचे कितनी चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि सब मर जाते हैं, उसका भी तो पाप लगता है। लेकिन जो ब्रह्म हत्यारा है, जो ब्राह्मण का हत्यारा है, ब्राह्मण का अपमान करने वाला है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप से युक्त होता है। ब्राह्मण का कभी अपने मुख से आपके जीव से अपमान न बन जाए, वह भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ऐसे पापों को मिटाने के लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करें और जिस जल से आप नहा रहे हैं उस जल में डालकर के स्नान करें तो आपके जैसे ब्रह्मत्या के जैसे पाप जो हैं संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए हर हर। हर हर जो बोलते हैं ना, हर हर कहने से भी पापों का नाश होता है। अब सात दिन में आप अच्छी तरह से गंगा स्नान कर लिए हैं, आपके पापों का नाश हो गया है। अब अगले दिसंबर तक प्रतीक्षा करिए, जब से पुराण सुनोगे दोबारा सितंबर दिसंबर में, तो फिर आपके पाप धुल जाएंगे, फिर आप पवित्र बन जाएंगे। तो ऐसे ही पापों को आप धीरे धीरे धोते रहिए, स्नान करते रहिए। शिव महापुराण ही है जिसके सुनने से मात्र से ही, हर हर बोलने के मात्र से ही गंगा स्नान का फल मिलता है और समस्त पापों का नाश होता है, उससे भी महापुराण है। यही एक महापुराण है और वो महादेव हैं, महादेव की ये महापुराण और सब पुराण हैं। महापुराण तो सिर्फ एक ही है, ये शिव की कृपा का, और शिव की कृपा से इसको फल प्राप्त होता है। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए, आप ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं, तो महादेव की शरण में आ जाइए। महादेव की शरण में आने से व्यक्ति ऐश्वर्यवान बनता है। जो मांग लिया महादेव उसे पूरा जरूर करते हैं, अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं है।
अपने खजाने में तो एक कौड़ी भी नहीं रखते, जो भक्त मांग लेता है उसे निहाल कर देते हैं। जल्दी से प्रसन्न होने वाले औघड़ दानी और सभी की कामना को पूर्ण करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, देवी की, मनुष्य की, गंधर्व की, सभी की रक्षा करने वाले वो हैं महादेव। अब आपके मन में अगर ऐश्वर्य की कामना है तो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये सात मुखी रुद्राक्ष को अनंग भी कहते हैं। अनंग एक नाम है कामदेव का, जब शिव ने जलाकर को नष्ट कर दिया। कि जब शिव तीसर नयन उघारा निरखत काम भयं जरिछा। वही अनंग है, वही जो सात मुख का जो रुद्राक्ष है वो भगवान शिव की कृपा से अनंग का रूप है। वह ऐश्वर्यवान बनाता है आपको, संपदावान बनाता है आपको, धनवान बनाता है। अगर आपको ज्यादा जीने का मन करे, और ज्यादा जीने का मन तो सबका ही करता है, संसार से जाने का किसी का मन करता है क्या है? वो तो ये शरीर साथ छोड़ जाता है, इसलिए फिर जाना ही पड़ेगा, अन्यथा किसी का मन नहीं करता संसार से जाने का, परिवार को छोड़ने का, संसार को छोड़ने का। ये शरीर जीर्ण शीर्ण होता है तब पर एक दिन जाना ही पड़ता है। जो ज्यादा दिन तक जीने की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं दीर्घ आयु के लिए, तो वो आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ये आठ मुखी रुद्राक्ष जो है ये अष्ट भैरव का रूप है। अष्ट भैरव आपके घर में निवास करें, और अष्ट भैरव जो है ये जो भैरव है, भैरव है ना, ये शिव के ही तो अवतार हैं। ये बहों के मध्य में जो ललाट है, इस ललाट से ही रुद्र का और भैरव का प्रागट्य हुआ। भगवान की ही शक्ति है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।